स्वागत है मित्र आप सबका। तो फिर कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं, रास्ते में कुछ पुलिस वालों के ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और दो पुलिस वालों को घायल कर देते हैं। एक पुलिस वाला देखकर अपने दो साथी को जब बचाने के लिए आता है, तब ज़ॉम्बी उस पुलिस वाले के ऊपर भी हमला कर देते है। उसी वक्त लैन आकर उस पुलिस वालों को बचा लेता है और उनसे शॉक डिवाइस लेकर ज़ॉम्बी को शॉक देकर बेहोश कर देता है। तब वो पुलिस वाला लैन को बताने लगता है कि उन लोगों को इस एरिया में कुछ अजीब क्रिएचर या फिर कुछ अजीब इंसानों का खबर मिला था, तो वो लोग यहाँ इस चीज को देखने के लिए आए थे। पर ये है क्या चीज, क्या ये कोई इंसान है या फिर कोई अजीब सा क्रिएचर? लैन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ऐसा अजीब क्रिएचर और दिखाई दे तो आप लोगों के पास जो शॉक डिवाइस है उससे उन लोगों के ठीक नेक में शॉक देना, अगर इससे भी काम ना बने तो उनके सर के ठीक बीचों बीच वार करना। तब पुलिस वाला लैन को थैंक्स कहता है। उसके बाद लैन एन से फोन में बात करने लगता है। लैन कहता है कि बॉस की आन को ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ही औरत है सारी फसादों का जड़। एन कहता है कि वो एकेडमी पहुंच ही रहा है। लैन एन को बताने लगता है कि उसे अभी कुछ ज़ॉम्बी मिले जिनको लैन ने ठिकाने लगा दिया है और एन को क्या लगता है कि बाकी ज़ॉम्बी अब कौन से एरिया में हैं। एन अपना टैप चेक करके लैन को बताने लगता है कि बाकी सारे ज़ॉम्बी फिलहाल कौन से एरिया में हैं। उसी वक्त लैन को खून का खुशबू आने लगता है। लैन सूंघते हुए अपने मन में सोचता है कि ये खून का खुशबू कितना स्ट्रॉन्ग है और लैन को पता चल जाता है कि ये खून का खुशबू और किसी का नहीं, बॉस की आंट का है जो लैन की एकेडमी के दिशा से आ रहा है। लैन एन से कहता है कि एन चाहे कुछ भी हो जाए तुम एकेडमी के अंदर हमारे दोस्त या फिर किसी भी स्टूडेंट को घुसने मत देना। अगला सीन एकेडमी का दिखाया जा रहा है जहाँ हम देखते है कि आ चुका है और उसने एकेडमी के सारे स्टूडेंट और अपने क्लासमेट को एकेडमी के बाहर रोक लिया है। सारे स्टूडेंट एन से पूछने लगते हैं कि एन क्या हुआ, क्या आज एकेडमी बंद है? एन कहता है कि देखो मैं तुम लोगों को सारी बातें समझा नहीं सकता, हमारे प्रिंसिपल अभी आ जाएंगे, वो तुम लोगों को समझा देंगे, फिलहाल तुम लोग मेरे साथ एकेडमी के बाहर ही रुको। उसी वक्त हम लैन को भी देखते हैं, वो एकेडमी के पीछे के रास्ते से एकेडमी के अंदर चला जाता है और खून का खुशबू सूंघते हुए एकेडमी के छत के ऊपर जा पहुंचता है। लैन छत के ऊपर अपने सामने बॉस की आंट को खड़ा हुआ देखता है जो अपने हाथ को काट कर जानबूझकर अपने हाथों से खून बहा रही थी। लैन बॉस की आंट से कहता है तुम जानबूझकर अपनी खून की खुशबू का इस्तेमाल उन लोगों को यहाँ बुलाने के लिए कर रही हो। बॉस की आंट कहती है कि हाँ बिल्कुल क्यों ना करूँ, मैं अपनी बनाई हुई ज़ॉम्बी को अपनी खून से कंट्रोल कर सकती हूँ। और लैन तुम मुझे पता था कि मेरा खून का खुशबू तुम्हें मेरे पास खींचकर जरूर लेकर आएगा। क्या तुम्हें पता है कि हम क्रिएचर ना अमर होते हैं, हम इतनी आसानी से मर नहीं सकते और मैंने ना बहुत सोचा इस बारे में, तुम्हें जाना है ना कि तुम ज़ॉम्बी बने कैसे, तुम मेरे डैड, मेरे उसी डैड जिनका फिलहाल एक पैर कब्र में है जो कभी भी गुजर सकते हैं, तुम मेरे डैड का बनाई हुई दवाइयों का टेस्ट एक्सपेरिमेंट हो। पता है लैन मेरे डैड ना गुजरने वाले हैं और पता नहीं क्यों इस दुनिया में अक्सर लोग मर क्यों जाते हैं, पर लैन तुम नहीं मर सकते, अगर तुम्हें मेरे बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम तुम्हारे प्यारे दोस्त ऐसे इस बारे में जरूर पूछ सकते हो। तो मेरे मित्रों यहाँ पर कुछ चीजों को क्लियरली नहीं कहा गया, जैसे कि ज़ॉम्बी बनने का शुरुआत कैसे और क्या हुआ होगा, पर मैं आप लोगों को क्लियरली बताती हूँ और इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। फू फैमिली का दवाइयों का कारोबार है और फू फैमिली जिंदा लोगों के ऊपर अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करती आ रही है और ऐसे ही बॉस के आंट के डैड ने एक दवाई तैयार किया था और उस दवाई का एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने जिंदा लोगों के ऊपर किया तब लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगे और फू फैमिली के लैब में उन ज़ॉम्बी के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने लगे, पर वो ज़ॉम्बी बहुत ही कमजोर थे और इन ज़ॉम्बी को जिंदा रखने के लिए चाहिए था बहुत सारा खाना और इसके लिए उन लोगों के लैब के वर्कर हॉस्पिटल से लाशों को चुराने लगे।
और एन के डेट को बहुत पहले ही लोग जो ज़ोंबी बन रहे हैं किसी तरीके से ये पता चल जाता है और एन के डेट उन ज़ोंबी के ऊपर रिसर्च करने लगे। एन के डेट ज़ोंबी को ज़ोंबी से इंसान बनाने का एक्सपेरिमेंट करने लगे। अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो एन के डेट उन लोगों को मदद कर सकते है जो ज़ोंबी बन रहे है और साथ में एन के डेट को बहुत फंड मिलता। खैर उसके बाद एन के डेट के लैब वालों को लैंड मिला और उन लोगों ने लैन के ऊपर इसी दवाई का एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्हें लगा कि लैन इस एक्सपेरिमेंट को झेल नहीं पाया और शायद मरमरा गया है। और ऐसे भी इतने साल इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद लैब वालों को तो समझ आ ही गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट उनका किसी काम का नहीं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से लोग सिर्फ ज़ोंबी बन रहे है जिसको उन्हें ही पालना पड़ रहा है। खैर तब लैब वाले लैन को उधर ही छोड़कर आ गए जहाँ से लैन को उठाकर लेकर आया गया था, पर लैन नहीं मरा, वो जिंदा हो गया और लैन एक शक्तिशाली ज़ोंबी में बदल गया जो मर नहीं सकता। और उसके तुरंत बाद ही बॉस के आंट के डेट के लैब वालों ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से लोग सिर्फ ज़ोंबी बन रहे थे और ज़ोंबी से उन लोगों का कोई फायदा हो नहीं रहा था। पर बॉस के आंट ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं किया, वो अपनी फैक्ट्री की सिगरेट पैसेज में इस एक्सपेरिमेंट को करती रही। बॉस की आंट लैन के बारे में बॉस की वजह से जान पाई और वो समझ गई थी कि लैन उनमें से ही एक है जिसके ऊपर आंट के डैड ने अपने दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया था। खैर अब आते हैं प्रेजेंट में। बॉस के आंट कहती है कि वो एक हाफ ज़ोंबी है, क्योंकि बॉस के आंट ने बहुत पहले अपनी डैड की बनाई हुई दवाई का इस्तेमाल अपने ऊपर किया था पर बहुत कम मात्रा में, जिससे बॉस की आंट हाफ ह्यूमन और हाफ ज़ोंबी बन गई। और हाफ ह्यूमन होने के कारण बॉस की आंट की कॉन्शियसनेस अभी भी काम कर रहा है। और देखा जाए तो बॉस की आंट और लैन लगभग एक जैसे है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि लैन जवान है और बॉस की आंट को अपना मकसद पूरा करने के लिए उन्हें लैन की जरूरत है। तो लैन सब कुछ भूल कर वो बॉस के आंट की साइड आ जाए और लैन को क्या लगता है कि सुबह सुबह बॉस की आंट लैन के एकेडमी में कर क्या रही है। बॉस की आंट को पता है कि अभी लैन के सारे दोस्त एकेडमी के नीचे मौजूद है और साथ में एकेडमी के बाकी यंग स्टूडेंट। ये सुनते ही लैन को बहुत गुस्सा आता है और लैन बॉस की आंट के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि बॉस की आंट का इतना हिम्मत कि वो लैन के दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे। अगर बॉस की आंट ने ऐसा करने की कोशिश की तो लैन बॉस की आंट को मार देगा। बॉस की आंट हंसते हुए लैन से कहती है कि लैन अपने दोस्तों को अभी बचाएगा कैसे, क्योंकि सारे ज़ोंबी तो एकेडमी के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद बॉस की आंट अपने हाथों से बहता हुआ खून को लैन के शर्ट में लगा देती है और हम देखते हैं कि लैन के पीछे बहुत सारे ज़ोंबी लैन के ओर ही बढ़ रहे थे। बॉस की आंट तब लैन को धक्का मार कर ज़ोंबी के बीच फेंक देती है। उसके बाद सारे ज़ोंबी लैन के ऊपर टूट पड़ते है। लैन उनसे करने की बहुत कोशिश करता है पर आखिरकार कर नहीं पाता क्योंकि ज़ोंबी का तादाद बहुत ज्यादा था। खैर सारे ज़ोंबी मिलकर कभी लैन को चाकू से चीरने लगते हैं, तो कभी अपने नाखूनों से, तो कभी अपने दांत से काटने लगते हैं। उसके बाद सारे ज़ोंबी लैन को बहुत मारते हैं और अधमरा कर देते है। फिर बॉस की आंट लैन के पास आकर कहने लगती है कि अभी अभी तो लैन ने कहा था कि लैन बॉस की आंट को मार देगा, पर देखकर लग रहा है कि बॉस की आंट ही लैन को मार देगी और मारना पड़ेगा। इतना अधमरा होने के बाद भी लैन को दर्द बिल्कुल नहीं होता, पर लैन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बॉस की आंट इतनी जल्दी लैन को नहीं मारेगी। और बॉस की आंट बताती है कि उन जैसे क्रिएचरों का खास बात यह है कि उन लोगों का घाव बहुत जल्दी हील हो जाता है, पर हील होने का एक लिमिट है। अगर घाव बहुत ज्यादा हो तो हील होना बहुत ही कठिन होने लगता है। हाँ माना कि उन जैसे क्रिएचर मर नहीं सकते, पर घाव बार बार एक ही वक्त में हील होने से एक समय हील होना बंद हो जाता है और वो लोग मर भी सकते हैं। और लैन को तो कितना घाव लगा है और अभी तो लैन हिल भी नहीं हो पा रहा, तो अब लैन क्या करेगा। लैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी बॉस की आंट के साथ नहीं आएगा, क्योंकि बॉस की आंट का मकसद इंसानों के हित में तो बिल्कुल नहीं होगा और ना ही लैन किसी इंसान के साथ वो होने देगा जो लैन के साथ
हुआ था। बॉस की आन गुस्से में कहती है कि लैन अपना हालत देखे, लैन मरने के कगार में है, क्या लैन को मरने से डर नहीं लगता। तब बॉस के आंट के पीछे से आता है वो जो बना था लैन के वजह से ज़ॉम्बी, जो बॉस के आंट को फूटी आंख नहीं बाता, जो बॉस के आंट को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फर्स्ट गुंडा भाई साहब बॉस के आंट के पीछे से आकर लैन को बॉस के आंट के चंगुल से बचाने के लिए फर्स्ट गुंडा भाई साहब अपने पास से एक पिस्तौल निकाल कर बॉस के आंट के सर के बीचों बीच गोली मार देता है। तो फिर मेरे प्यारे मित्र, लैन और एन की कहानी को जितना मुझसे हो सके मैंने उतना ठीक ठाक करके एक्सप्लेन किया, और अभी इस कहानी का एक ही भाग बचा है जो मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगी। आप सब बताओ कि कैसा लगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। टिल देन स्टे विद मी एंड सी यू।